जितने सनातन धर्म बाबा के नाम पर वोट देंगे, क्योंकि प्रजातंत्र है, गरीब हो या अमीर हो, वो अभी से ही मोदी कर रहे हैं। बीजेपी ने जीतना ही जीतना है, जीतना ही जीतना। कारण है विकास। जीवन जीने के लिए धर्म भी जरूरी है और रोजगार भी जरूरी है, और बीजेपी सारे मुद्दे पे काम कर रही है। विकास के नाम पर भी और धर्म के नाम पर, दोनों पर दिया जाए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज, मेरा नाम अभिषेक है। क्या बीजेपी 2024 में भगवान और बाबाओं के नाम पर जीत जाएगी, इसको लेकर जनता क्या कुछ कह रही है, हम लोगों से बातचीत करेंगे। क्या 2024 में बीजेपी भगवान और बाबाओं के नाम पर जीत जाएगी? क्या नाम हुआ? राधा रमन प्रसाद। अच्छा, क्या 2024 में बीजेपी बाबाओं और भगवान के नाम पर जीत जाएगी? ये तो कहना मुश्किल है, इसलिए कि बाबा के नाम पर वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो जनता को तय करना है। क्या लगता है बाबाओं और भगवान के नाम पर चुनाव में? देखिए, सनातन धर्म को तो हिंदू लोग सब लोग मानते हैं, लेकिन सवाल यह होता है कि कितने सनातन धर्म बाबा के नाम पर वोट देंगे, क्योंकि प्रजातंत्र है, कहा नहीं जा सकता है। काम पे नाम पर वोट मिलना चाहिए या भगवान और बाबाओं के नाम पर, आपको क्या लगता है? वो तो काम के नाम पर ही वोट मिलना चाहिए, जो काम करे उसे वोट। हाँ, लेकिन जनता का कभी दिमाग चेंज हो जाता है, एक ही चीज़ को बार बार सुनने से या देखने से, भगवान के नाम पर ही वोट। हाँ, चैनल पर बार बार देखने से भी दिमाग जो है चेंज हो जाता है, बस इतना ही कहेंगे। क्या लगता है भगवान और बाबाओं के नाम पर 2024 में बीजेपी जीत जाएगी? देखिए, बीजेपी हिंदू राष्ट्र की बात करती है, हिंदुओं की बात करती है, हिंदुस्तान की बात करती है, और उनका एजेंडा लक्ष्य यही सब है। तो स्वाभाविक रूप से बाबा की जो बात है, बाबा तो बाबा है, तो प्रवचन करने आए हैं, हिंदू धर्म के बीच धर्म प्रचार करने आए हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। 2024 में भगवान के नाम और बाबाओं के नाम पर बीजेपी जीत जाएगी? बजरंग बली इन सब मुद्दों को लेकर जीत जाएगी? जहाँ तक हमको रोज जनता से बात होती है, गरीब हो या अमीर हो, वो अभी से ही मोदी कर रहे हैं, मोदी कर रहे हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। जीत जाएगी बीजेपी एकदम निश्चित तौर पर, जीतेगी। और भी लोगों से बातचीत। क्या लगता है 2024 में भगवान और बाबाओं के नाम पर बीजेपी जीत जाएगी? भगवान और बाबाओं तो बात की चीज़ है, मोदी जी का जो विगत 9 साल में जो विकास हुआ है पूरे भारत के अंदर, और ख़ासकर पूर्वोत्तर राज्य जो चाइना की तरफ से बिल्कुल असुरक्षित था, वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं, सड़क, बिजली, टेलीफोन, मतलब जो भी स्ट्रक्चर चाहिए उन्हें कंप्लीट किया है। तो मोदी जी के अलावा अभी कोई विकल्प नहीं है इस देश के अंदर, कोई विकल्प नहीं है। काम के नाम पर वोट मिलना चाहिए भगवान बाबाओं के नाम पर? काम के नाम पर नहीं, जनता देती है क्या? नहीं देती है। वो कुछ 5% जो होते हैं, जो बहुत धार्मिक होते हैं, वो हर धर्म के अंदर मिलेंगे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो 5% ऐसे लोग होते हैं या 10% हो सकते हैं जो धर्म के आधार पे पोल करते हैं। क्या मतलब काम के नाम पर ही वोट मिलेगा? विकास के नाम पर। क्या कहेंगे, काम के नाम पर वोट मिलेगा या बाबाओं और काम के नाम से। अच्छा, क्या लगता है 2024 में बाबाओं और भगवान के नाम पर बीजेपी जीत जाएगी? भगवान के नाम से तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन बाबा और योगी, इनका काम होता है, काम के नाम पर मिलेगा। भगवान के नाम पर नहीं मिलेगा। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। क्या लगता है अंकल जी, 2024 में भगवान और बाबाओं के नाम पर बीजेपी जीत जाएगी? बीजेपी तो जीतना ही जीतना है। कारण है विकास हुआ है, विकास हो भी रहा है। बीजेपी का सरकार जब से बना है केंद्र में, तब से मतलब समझिए कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, और हो सके तो 2024 में उपवाले के अगर कृपा रहेगा तो बीजेपी निकलेगा। भगवान के नाम पर वोट मिलता है या काम के नाम पर? नहीं, दोनों की समझ लीजिए, उनका आशीर्वाद और काम, विकास।
नहीं, भगवान और बाबाओं के नाम पर वोट मिलता है या विकास काम पर? नहीं नहीं, विकास के नाम पे, विकास के नाम पर। जो मुद्दा गर्म होता है बजरंग दल, बजरंग दल, नहीं वो तो सब राजनीति है, वो तो सब राजनीति है। उस पर जनता वोट करती है क्या? नहीं उस पर तो, इसके लिए तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन मेरा राज यहाँ तक उम्मीद है कि मतलब नहीं करते हैं। विकास देखते हैं। हाँ बस विकास, विकास के ही नाम पर हम लोग वोट देते हैं, वोट देंगे जी, विकास के नाम पर ही वोट देंगे जी, विकास के नाम पे ही वोट देंगे हम। क्या लगता है अंकल जी, 2024 में भगवान के नाम पर वोट दीजिएगा, बीजेपी को जिताइएगा, भगवान और बाबाओं के नाम पर? नहीं बुआ, मैंने बाबा के नाम पर नहीं, मैंने योगी के नाम पर मैंने वोट देंगे, विकास के नाम पर देंगे, क्योंकि वो लोग काम कर रहे हैं। हम लोग को घर द्वार भी नाप करके गए हैं, बोले हैं जमीन का तो नहीं मुआवजा मिलेगा, लेकिन मकान में जितना पैसा लगा है उतना आप लोग को मिलेगा, और इसके बाद जगह आप 2024 में बीजेपी जीत जाएगी? बिल्कुल अनुभव है बाबू जीतने का, जीत जाएगी। और भी लोग हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे। क्या लगता है 2024 में भगवान और बाबाओं के नाम पर वोट मिलेगा क्या, बीजेपी जीत जाएगी? देखिए भैया, सबसे बड़ी बात है कि जीवन जीने के लिए धर्म भी जरूरी है और रोजगार भी जरूरी है, और बीजेपी सारे मुद्दे पे काम कर रही है। युवाओं के लिए रोजगार भी तलाश कर रही है, निकाल रही है समय समय पे, और जितनी तेज़ी से विकास कर रही है, चाहे आप परिवहन की बात कर लीजिए या किसी और विभाग की, स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, हर विभाग में कांग्रेस को पछाड़ रही है। जो पिछली दशक कांग्रेस के वो 65 साल में जो विकास उन्होंने किया, वो बीजेपी ने 10 साल से कम के रीजन में उसने करके दिखाया। जो उनकी करने की कार की गति का स्पीड है वो कांग्रेस से कहीं गुना ज़्यादा है। और जो धर्म की बात है, बाबा हैं ये धार्मिक मुद्दा है, हिंदू धर्म के प्रचार कर रहे हैं, मुस्लिम धर्म के लिए तो कोई नहीं रोका है, वो भी तो अपना करते हैं धर्म की प्रचार, धर्म से कोई वास्ता नहीं है। विकास से हम लोग को वोट मिलता है, वोट देते हैं और वोट के लिए प्रेरित भी करते हैं विकास के मुद्दे पर। धर्म अपनी जगह है, अगर बाबा धर्म को लेकर बीजेपी के साथ जुड़े हैं तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। भगवान और बाबा के नाम पर वोट दीजिएगा? नहीं, दोनों के नाम पर वोट देंगे, हमारे लिए धर्म भी जरूरी है, रोजगार भी जरूरी है, जीवन जीने के लिए दोनों जरूरी है। अगर धर्म नहीं रहेगा तो फिर हम कैसे रहेंगे? 2024 में एकदम धर्म और रोजगार दोनों हमारे लिए बेहतर है, दोनों पे वो कार्य कर रहे हैं, दोनों पे वोट देना हमारे लिए बीजेपी के लिए एकदम पूर्णतः संभव है। आपने सुना कि लोगों ने क्या कुछ कहा, अच्छा धर्म के नाम पर वोट देते हैं या विकास के नाम पर? देखिए, पहले राष्ट्र होता है, राष्ट्र का विकास होगा तभी ये जा कर करके धर्म का भी आता है बात, धर्म सेकेंडरी होता है, विकास फर्स्ट होता है। तो विकास जो है, जहाँ तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, नरेंद्र मोदी के जब से काम आए, जो प्रधानमंत्री बने हैं तब से उनके कार्यकाल देख लिए, विकास ही विकास हो रहा है, उनके साथ विकास और धर्म दोनों जुड़ा हुआ है। तो सब लोग कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम जो विपक्ष में है, जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं जो सत्ता में आना चाह रही है, वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, धर्म के नाम पर नहीं विकास के नाम पर, विकास के नाम पर भी और धर्म के नाम पर, दोनों पर दिया जाए, दोनों के नाम पर वोट मिलेगा। तो आपने सुना कि लोगों ने क्या कुछ कहा, लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है, कई लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि 2024 में कैसे बीजेपी जीतेगी। कुछ लोगों की राय है कि धर्म के नाम पर भी वोट मिलेगा, विकास के नाम पर भी वोट मिलेगा, कुछ लोगों की राय है कि सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर हम वोट देते हैं और विकास के नाम पर ही 2024 में बीजेपी को वोट देंगे। तो 2024 में बीजेपी को भगवान और बाबाओं के नाम पर वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको लेकर बीजेपी क्या जीत जाएगी, इसको लेकर हमने सवाल पूछा, लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर पेज को लाइक करिए।